बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा दरभंगा पहुंचे, जहां सबसे पहले जिला के सदर प्रखंड के गौसा घाट पहुंचकर लगभग 2.5 करोड़ की राशि से बनने वाले कमला नदी पर घाट का शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने शहर के निचले इलाके में बाढ़ से बचाव को लेकर सुहंकरपुर मोहल्ले में अलग अलग 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री संजय सहनी भी मौजूद रहे। वहीं सुहंकरपुर में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा है कि उत्तर बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ का कारण नेपाल से आने वाली नदियां है, इससे मिथिला सहित उत्तर बिहार को भारी नुकसान झेलना पड़ता है और राज्य सरकार को बाढ़ से सुरक्षा तथा राहत एवं बचाव के कार्यों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जब तक केंद्र सरकार नेपाल में हाई डैम बनाने की दिशा में ठोस पहल नहीं करती, बाढ़ से सुरक्षा के कार्य ही किया जा सकते हैं, बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। वह जल संसाधन विभाग मिथिला सहित पूरे बिहार में बाढ़ से सुरक्षा के कार्य तत्परता से कर रहा है और आगे करता रहेगा। ठीक वहीं मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि 2004 में पूरा शहर बाढ़ से आने वाली परेशानियां झेला था, लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार बना, खासकर जल संसाधन मंत्री संजय झा बने हैं, तब से बाढ़ को लेकर तटबंध को मजबूत किया गया है और लोगों को बाढ़ का खतरा कम रहता है। गौसा घाट में बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ स्नान करने के लिए, वहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा घाट दिया है और आज मैं गया था देखने के लिए उस काम को, और मेरे ख्याल से अप्रैल के अंत में 15 मई तक वो काम पूरा हो जाएगा उस घाट का। और हमने ये भी कहा देखा पानी ठीक से नहीं है, उसको खुदाई भी कर देने के लिए तो कम से कम 4 से 5 फीट पानी रहे जो लोगों को नहाने में दिक्कत नहीं, ये वही देखने गए। कितनी की लागत से बनाई जा रही है? मेरे ख्याल से वहाँ 2.5 करोड़ के आसपास है, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। हाँ वही 2.5 करोड़ के आसपास। यहाँ किन किन योजनाओं का शिलान्यास, ये डिटेल आपको दे देंगे अभी कागज। 9 योजना का है, कुछ मदन सहनी जी के क्षेत्र का है, कुछ शहर का है, कुछ दरभंगा ग्रामीण का है और जो कुछ काम और आया है। अब कैसे चट्टी चौक पर हमारा काम पूरा हो रहा है, ये काम हम जल संसाधन विभाग का नहीं था नाला से पानी निकालने का, अब काम हो रहा है ना फाइनल। कितना प्रॉब्लम वहाँ भी काम कराने में था, अब लगभग फाइनल है और मेरे ख्याल से वो भी अप्रैल तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और दरभंगा शहर के प्रोटेक्शन के लिए जो भी फ्लड में काम होगा, आज तो मैं इस सब के लिए आया हूँ, अलग से हम लोग डिपार्टमेंट में एक रिव्यू करेंगे और जो भी इसमें काम लेना होगा वो हम लोग इस सीजन में लेंगे। कोई टारगेट भी दिया गया है अभी? नहीं, तो 15 मई से पहले ये सारा काम पूरा करना है। मंत्री जी, जहाँ हम लोग खड़े हैं ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है, यहाँ गांव से भी अधिक बाढ़ रहती है। मैं अभी आपके सामने बोल रहा था कि भाई बिहार वालों की या मिथिला की क्या गलती है कि पानी आता है नेपाल से और वहाँ हाई डैम बने और वो भारत सरकार को ही बात करके उसको रिजॉल्व करना होगा, और जब तक नहीं होता है ये जो हजारों करोड़ बिहार का पैसा खर्चा होता है जो अन्य काम में लग सकता था, वही तो मैं कह रहा था हम लोग के पास जो रिसोर्स है वो सारा काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। तभी आप देख रहे हैं कि हर एक साल बाढ़ के प्रकोप को हम लोगों ने कम किया इन सारे चीजों से, लेकिन इसका परमानेंट निदान हो वो तो वहीं पे जाकर के होना, और इससे पलायन भी रुकेगा 100%। वही मैं जिस दिन बाढ़ के प्रकोप को कम कर दिए तो दरभंगा जिला में या बहादुरपुर में बहुत सारे काम हुए हैं। अभी तो आप लोग अपने यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 योजना का शिलान्यास या उद्घाटन हो रहा है। अभी हम लोगों ने एक बड़ा काम जो लहरिया सराय में जो हाउसिंग बोर्ड से लेकर के और नहर पूरा बहादुरपुर का इलाका में अभी पक्कीकरण हो रहा है, लगभग काम पूर्ण होने वाला है। और उस नाला को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, चूंकि उस हम लोग के घर के ठीक बगल का आज तक उसको हम लोग बनते हुए नहीं देखे थे। हमको लगता है 40 साल के बाद उसमें काम हो रहा है और वह अभी पक्का। जब उसका शिलान्यास हो रहा था तो वहां पे स्थानीय साथी और वह हम लोग के पंचायत, जहां हम लोग का घर है जिस पंचायत में, उसी पंचायत में शिलान्यास कार्यक्रम भी था। तो 2 वार्ड वहां पर, जो वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 जहां पर बाढ़ बरसात के समय में जल जमाव होता है,
तो लोगों ने इनसे डिमांड किया उस शिलान्यास कार्यक्रम में, हमने भी आग्रह किया, तो एक वार्ड का मालूम हुआ है कि 2 नंबर वार्ड में आप स्वीकृत कर दिए, अब एक